प्रिय आचार्य प्रवर सद्गुरु संत आरंतरण आचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जनित परमात्मा की अमृतमय दशा यह श्री तारणाचार्य जी, जहाँ आचार्य श्रीमद नारायण स्वामी सभी भक्त जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। मोक्ष का मार्ग मतलब मोक्ष का मार्ग मतलब क्या? यहाँ मोक्ष का मार्ग मतलब मोक्ष का मार्ग मतलब मुक्ति का सुख, मतलब आत्मा का सुख, अपना सुख। यहाँ आचार्य श्रीमद् नारायण स्वामी सभी भक्त जीवों को मुक्ति का मार्ग बता रहे, मतलब आत्मा के सुख का मार्ग बता रहे, मतलब स्वाधीन सुख का मार्ग बता रहे। स्वाधीन सुख का मार्ग मतलब अभी जो अपना वर्तमान सुख है वो काय के आधीन है भैया, इंद्रिय विषय भोगों के आधीन। अपना जो वर्तमान सुख है काय के आधीन है, इंद्रिय विषय भोगों के आधीन है। यदि इंद्रिय विषयों की पूर्ति होती है तो हम सुखी होते हैं, मन की इच्छा की पूर्ति होती है तो हम सुखी होते हैं, और मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। मतलब वर्तमान में जो तात्कालिक सुख है, सब तात्कालिक सुख मात्रा है, वो तात्कालिक सुख इंद्रिय विषयों के अधीन है, पराधीन है। पुण्य का उदय होता है तो वो सुख प्राप्त होता है, और पाप का उदय होता है तो वो सुख प्राप्त नहीं होता और अपन दुख महसूस करते हैं। तो ये जो भौतिक सुख और दुख है, भौतिक है ना, भौतिक मतलब सांसारिक सुख, मतलब जो इंद्रियों के विषय है वो सब भौतिक सुख है। ये जो भौतिक सुख है, सांसारिक सुख है, ये सब पराधीन है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी, यहाँ गुरु महाराज जी ने अपन कह रहा है, आचार्य तारण स्वामी ये जगा रहा है चेतना को, जीव को बता रहा है, क्या बता रहा है कि इन इंद्रियों के जो विषय है, ये इंद्रियों के जो सुख है ये पराधीन है,
लेकिन तेरे अंतर में एक शाश्वत सुख का खजाना है, एक आत्मिक वैभव है, आनंद में आत्मा तेरा परम सुखी है। इस वैभव को जान ले और अनंत सुखी हो जा। संसार क्या है? जब तक जन्म मरण है तब तक संसार। संसार क्या है? जन्म मरण का नाम संसार है ना, मिथ्यात्म का नाम संसार है ना। तो संसार क्या है? जब तक ये जीव यहाँ जन्म मरण कर रहा है इसका नाम संसार है। और अब इससे मुक्ति का उपाय क्या है? क्या मुक्ति का उपाय बोलो? संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? निज है बैठो, नहीं तो राग कीजिए। संसार से मुक्ति का उपाय यह है भैया कि जैसा भगवान ने वस्तु स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान करके निज अंतर आत्मा को जान लेना, निज गायक स्वभाव की सुरति को प्रकट कर लेना, अपने अपने आत्मा का श्रद्धान कर लेना। यदि निज में आ गए तो अनंत दुखों से छूट जाएंगे भैया। और यदि पर में लगे रहे, इंद्रिय विषय में लगे रहे, तो जैसा संसार अनंत काल से जन्म मरण रूप चल रहा है जैसा का तैसा चल रहा है। ये इतने सारे जनवाणी का है। यदि अपन जनवाणी का सार पकड़े, आचार्यों की वाणी का सार पकड़े, तो इतने सार है। समय सार में सार, आत्मा समय सार में है और इस समय सार में इतने ही सार है। क्या सार है भैया? कि तू जीव आत्मा स्वयं को जान ले, स्वयं को पहचान ले, तो अपने आप ही पर से होने वाली पीड़ा मिट जाएगी। पर से होने वाली पीड़ा क्यों हो रही है भैया? पर से अपने को पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि अपन स्व को नहीं पहचान रहे ऐसा कहो, या पर को अपना मान रहे हैं ऐसा कहो। एक ही बात है, आस्ती से कथन करोगे तो ये कहने में आएगा कि स्व को अपना नहीं मान रहा है, और नास्ती से कथन करोगे तो ये कहने में आएगा कि पर को अपना मान रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू, पर को अपना मानो या स्व को अपना मत मानो। मूल दुख का कारण है, दर्द का कारण है कि अपने को घर पद परिवार में रहते हुए, क्योंकि बचपन से संस्कार मिले ना, छोटे से संस्कार मिले ना कि खाने में सुख है, पीने में सुख है, संसार की भौतिकता को पैसा कमाने में सुख है, शादी करने में सुख है, पढ़ने लिख के भैया बड़े आदमी कलेक्टर और इंजीनियर बनने में सुख है, भौतिकता में सुख है। ये संस्कार बचपन से मिले ना भैया, अपने को भी मिले और बच्चों को भी यही मिल रहा है। काय में सुख है, भौतिकता, पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, और जितना ज्यादा आपके पास संपत्ति है, और आज के टाइम का ट्रेंड हो गया भैया, जितने ज्यादा आप व्यसनी हो उतने ज्यादा सुखी, ये ट्रेंड हो गया कि जितना ज्यादा व्यसन है, जितने ज्यादा भोग है, जितने ज्यादा विषय वसे वासना की पूर्ति है उतने ज्यादा सुखी हो। और जिसके पास व्यसन नहीं है, जिसके पास भौतिक संसाधन नहीं है, जिसके पास भैया ये भौतिक संसाधनों की कमी है, अपन क्या मानते हैं? वो दुखी है, यही मानते हैं, यही मानते चल रही ना कि जिसका बंगला बड़ा वो ज्यादा सुखी, और जिसके पास भैया छोटी टपरिया है वो दुखी। ये साइकोलॉजी बन गई है, ये जीपी साइकोलॉजी बन गई है। और इस साइकोलॉजी पे, अर्थात इस सोच पे पूरा विश्व इस प्रतिस्पर्धा की ओर भाग रहा है, होड़ कर रहा है, एक दूसरे से होड़ कर रहा है कि यदि मुझे ज्यादा सुखी होना है तो मुझे ज्यादा धन कमाना पड़ेगा, यदि मुझे ज्यादा सुखी होना है तो मुझे ज्यादा वैभव जोड़ना पड़ेगा, यदि मुझे ज्यादा सुखी होना है तो मुझे ज्यादा व्यसन करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुख तो इंद्रिय विषयों में ही पक्का है ना, सही कह रहा है कि नहीं? हाँ तो बता जल्दी, सही कह रहे कि नहीं? सही नहीं गलत? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही है ना, बच्चों को भी पता है जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही जीवन उन्होंने देखा है और ऐसा ही जीवन वो जी रहा है भाई। लेकिन इसमें अपन ने भी अपने जीवन को आध्यात्मिक चेतना को जागृत नहीं किया, स्वाध्याय और संयम से अपने जीवन को नहीं जोड़ा,
अपन ने भी भौतिकता में अपना पूरा जीवन नाश कर दिया। और भैया अपन कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों का हित चाहते हैं, अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, लेकिन अपन ने उन्हें भौतिकता का जीवन ही दे दिया। पता हम अपने बच्चों का हित चाहते हैं या दुश्मन है हम अपने बच्चों का? दुश्मन, क्योंकि अपन ने उस समय ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अपन क्या कहते हैं हमें ऐसे साधन ही नहीं मिले। लेकिन आप तो जान रहे हो कि सुख बाहर की भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बाहर की प्रतिस्पर्धा में सुख नहीं है। आज तो जान रहे हो, मतलब आज जानने के बाद अपन इनमें कौन से आध्यात्मिकता का संस्कार डाल रहे हैं, कहां सुख, इन्हें सुख का बोध कहां करा रहे हैं, इन्हें सत्य का बोध कहां करा रहे हैं, इन्हें उस सत्य से कहां जोड़ रहे हैं, वही क्रियाओं से, थोड़ी क्रियाओं से जोड़ दे रहा है कि पाठशाला आओ तो पाठशाला में संस्कार मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, या चैतन्य दर्शन करते हैं, जो अपन ने किया वो ही संस्कार इनमें डाल रहे हैं। तो ये बता कि जैसा जीवन अपना बीता, हाय हाय करते हुए पूरे जीवन कर करके मरते हुए, पूरे जीवन आकुलता और चिंताओं में, विषय भोगों की आसक्ति में जैसा जीवन अपना बीता, वैसे जीवन का बीते का कहीं बीता। अच्छा बताओ, जैसे दुख अपन ने भोगे वैसे दुख ये भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? कारण क्या है? कारण अपनी तो उल्टी मान्यता थी, लेकिन अपन ने ग्रहित मिथ्यात्वास इन्हें भी वो ही ग्रहण कराया। क्या ग्रहण कराया है? ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरा परिवार है, और ये भौतिक साधन तेरे सुख के संसाधन है। ये नहीं सिखाया कि बेटा पुण्य के वजह से आता है, पाप के वजह से जाता है। ये नहीं सिखाया कि भैया कि स्कूल के साथ पाठशाला नितांत अनिवार्य है। ये नहीं सिखाया भैया कि टीवी और मोबाइल के साथ साथ मंत्र जप करना और थोड़ा बहुत दो लाइन पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये नितांत अनिवार्य है। ये संस्कार अपन ने दिए कि नहीं भैया? हमें नहीं मिले, हम क्यों दें? एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत है कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिए तो हम अपने बच्चों में क्यों दें? अब प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है तो किससे कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है तो किससे कर रहे हैं? जिनको, जिनके लिए तो हम कहते हैं भैया इन्हीं के लिए हम जीते हैं, इन्हीं के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है, इन्हीं के लिए हमारा सब कुछ है, प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है तो किससे कर रहे हैं? भैया हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिए, हम बच्चों को नहीं दे। चलिए बताओ, बहुत व्यवहारिक उसे ले रहे हैं हम, बिल्कुल सरल। क्या है अपने जीवन की आधारशिला? देखो अपन क्या कहते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना बेटा, कहाँ जाना है? सिखा तो दिया अपन ने, अपन ने बचपन से सीखा था कि कहाँ जाना है हमें, मोक्ष जाना है। लेकिन मोक्ष जाने का उपाय, वो मोक्ष जाने का उल्टा बताया। वो भी दिन में एक बार पूजा भक्ति मंदिर जाना, वो भी दिन में एक बार चले आ, और बाकी पूरा उपाय उल्टा बताया कि पैसा कमाओ, धन कमाओ, दौलत कमाओ। देखो पड़ोसी ने इतनी तरक्की कर ली, वो डॉक्टर बन गया, वो कलेक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। कोई नहीं कहना कि तुम भगवान बनोगे कि नहीं बनोगे। अपने बच्चों से कोई नहीं पूछता सपोर्ट कैसे, बेटा एक बार बताओ कि भगवान महावीर की माँ का नाम तो अजर अमर हो गया, तारण स्वामी की माँ का नाम तो वीर श्री गड़ासाय आज भी लेते हैं, तो बताओ ऐसा हमारा नाम रोशन करोगे कि नहीं करोगे? सब कहते तो है कि धरती पे महावीर की आवश्यकता है, लेकिन पड़ोसी का घर होना चाहिए, हमारे घर भी होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे घर महावीर हो गया तो हमारे मोह का पोषण कौन करेगा, हमारे राग का पोषण कौन करेगा, हमारी विषय आसक्तियों का पोषण कौन करेगा? भैया महावीर होना तो चाहिए इस जगत में, किसके घर? पड़ोसी का होना चाहिए। हमारे घर हो गया तो समस्या हो जाएगी। ये दिक्कत है अपने जीवन में, अपने मूल में, अपने आधार में यही दिक्कत है कि अपन धर्म को कहते हैं बाद में बुढ़ापे की वस्तु है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो स्वयं रहने लगेंगे, और आज चिंता कर रहे हैं भैया युवा वर्ग आ नहीं रहे, आज चिंता कर रहे हैं कि आ नहीं रहे, क्यों नहीं आते, इतना बुला रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, उन्हें बार बार बुला रहे हैं, रोज बोल रहे हैं आओ आओ आओ, आ नहीं रहे।
भगवान जी बचपन से बिठाया होता वो आज उन्हें समझ में आता। आज इन बच्चे पूछो ज्ञान कितने होते हैं, 5, उनसे नाम पूछ लो तो उन्हें प्रवचन समझ में आते हैं कि ज्ञान 5 होते हैं कि क्या चर्चा हो रही है, अनियम कितने होते हैं उन्हें पता है, तो उन्हें प्रवचन में बैठने में डर नहीं लगता। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने आत्मा भी सीखा है, बट आत्मा मरती ही नहीं मरती, मुझे रोग शोक होता ही नहीं होता, आत्मा बीमार होती ही नहीं होती, आत्मा भूख प्यास लगती ही नहीं लगती। तो इन्हें पता है, तो इन्हें पता है उन्हें आत्मा की चर्चा सुनने में कोई कष्ट नहीं होता। और अब आपने जिन्हें शुरू से यहां लेके ही नहीं आए, आप जिन्होंने यहाँ बैठने की आदत ही नहीं है, अब आप उनसे उम्मीद करो कि वो यहाँ बैठ के 1 घंटे प्रवचन सुन ले तो संभव नहीं है, क्योंकि नींव तो यहीं से डलेगी भगवान, अध्यात्म के संस्कार तो यहीं से पड़ेंगे, सत्य का सहकार तो यहीं से होगा। जब बचपन से इस सत्य को जानेंगे, बचपन से इस सत्य को सुनेंगे, तो आगे का आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं भक्के आ जाएंगे। मंदिर विधि के लिए हमने नहीं बुलाया बच्चों, कल रात से जिद कर रहे थे भैया बड़े लोग पढ़ने नहीं देंगे, आप तो हमें पढ़ने ही मंदिर में आप बैठ जाओगे तो कोई कुछ नहीं खाए, और 10 मिनट पहले आ गए ये लोग, 8:30 बजे आए वो 8:20 पे आ गए, हमें तो पढ़नी है, पढ़ी उन्होंने। तो बात इतनी सी है कि उन्हें तो लगन लग गई तो वो अपने आप अच्छे चले आएंगे, क्योंकि आपने यहां से आधार डाल दी, आपने यहीं से उन्हें सत्य का बोध करा लिया भैया, उनके आधार में आ गया। क्यों भैया? क्योंकि उन्हें रुचि लग गई, उन्हें समझ में आ गया, उनको यहाँ इंटरेस्ट आने लगा, तो अपने आप ही खींचे चले आएंगे। लेकिन यदि अपन आधार में ये संस्कार ना डालें, कॉन्वेंट स्कूल में भेजना जरूरी है, प्ले स्कूल में भेजना जरूरी है, कोचिंग में भेजना जरूरी है, लाखों रुपए खर्च कर दो तो भैया ट्यूटर में और घूमने फिरने में, लेकिन एक ऑटो नहीं लग सकता शाम को पाठशाला के लिए आना अनिवार्य, घर में नियम नहीं हो सकता कि पाठशाला में आना अनिवार्य है, चाहे 2 किलोमीटर दूर रहता हो या 200 किलोमीटर दूर रहता हो, हमें नहीं माना जी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? बच्चे जाते हैं स्कूल में, थक जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर उनको ये भी पढ़ाए, क्या होगा? तो इतने बहाने हैं अपने पास, इतना प्रमाण है कि अपने को स्वयं इस अध्यात्म का महत्व नहीं मालूम, स्वयं अपन धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते, स्वयं अपन धर्म के और प्राप्त नहीं करना चाहते। तो जैसा अपन नहीं कर रहे भैया, जैसी अपनी रुचि है उस अनुसार इनकी रुचि है। तो मूल में बीज रोपण नहीं है, और जब तक मूल में बीज रोपण नहीं होगा तब तक अपन सोचे कि समाज में उत्थान हो जाए, उत्थान करना है तो आपको मूल में बीज डालना पड़ेगा, मूल में। आप अपनी अपनी बात देख लो भैया, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजोगे कि नहीं भेजोगे, भेजोगे कि नहीं भेजोगे बाहर? अच्छा इधर पूछे, हाँ भैया बच्चों को बाहर पढ़ने भेजोगे कि नहीं भेजोगे? देखो बाहर पढ़ने नहीं भेजोगे ये तो हम कह नहीं रहे, लेकिन बाहर पढ़ने भेजने के बाद वो क्या करेंगे, वहां जाके वो क्या करेंगे, इसका पता तुम्हें तब होगा जब तुमने बचपन से उन्हें सात्विक संस्कार दिए होंगे तब। और यदि तुमने संस्कार ही नहीं डाले, उन्हें आध्यात्मिकता के संस्कार ही नहीं डाले, उन्हें अवक्ष का और अन्याय का ज्ञान ही नहीं बताया, उन्हें शील और कुशील में अंतर ही नहीं बताया, उन्हें व्यसन और व्यसन से छूटने से जो पुण्य आश्रम होता है, जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, यदि ये उन्हें सुख का रास्ता नहीं बताया तो बाहर निकलते से सात व्यसन, मतलब फैशन, सिगरेट पीना मतलब फैशन, बियर पीना मतलब फैशन, छोटे कपड़े पहनना मतलब फैशन, लड़कों लड़कियों के साथ घूमना मतलब फैशन, वो ट्रेड है आज का ट्रेड है, वो इसे करे बिना नहीं रहेंगे। क्यों नहीं करे बिना रहेंगे? अच्छा इस उम्र में जब अपन थे अपन ने ये सब करे बिना रहे कि नहीं रहे? तो अपनी पीढ़ी में कम था, आज भौतिकता मोबाइल और आज की चकाचौंध में अपनी उससे हमें जो अपनी पीढ़ी निकल गई ना, जो आप लोगों निकल गई उस समय तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो हमारी निकली उसमें थोड़ा कम था लेकिन फिर भी बहुत था, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वहां ये ही है, इसके अलावा और कुछ है ही।
बधाई भैया, अपने को भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा, लेकिन आपने मूल में क्या डाला है ये तो बताओ, क्या बोया है? ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, है बोया बीज बबूल का, आम कहां से पाए? भैया बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, हमें नवोकार मंत्र कर पढ़ के समाधि मरण करवा ले, ऐसी संस्कार प्रणाली अपन ने डाली नहीं है। बच्चे विदेश में रहे और आप मर जाओ तो बच्चे का वीडियो कॉल पे दिखा दो कैसे जला रहे हैं आप, अच्छे से जला रहे हैं, जला रहे हैं। ये संस्कार अपन ने डाले, ये संस्कार हमने डाले। अब ये संस्कार जब हमने डाले हैं तो बताओ मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा? क्योंकि देखो भैया, जब आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो आपको कोई संबोधने वाला चाहिए, जब आप चल नहीं पाओगे तो कोई आपकी लाठी बनने के लिए चाहिए। वो लाठी यदि समझदार होगी तो वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगी, और वो लाठी यदि कोई नौकर होगा 200 रुपए दिन का तो वो क्या करेगा, अपनी क्रिया करेगा और चला जाएगा, लेकिन सही रास्ते पे। तो लाठी तो आपकी मजबूत हो कि वो आपको खड़ा कर सके, और आपकी लाठी हिलजुल रही है भैया तो आप खड़े कैसे हो गए? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें इसलिए तो कि भैया बच्चे भी हैं और आप भी हो। तो ये बताओ जल्दी सली, बिल्कुल खरी 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 सच्ची सच्ची बात कि अपन क्या बीजारोपण कर रहे हैं, महावीर किसके घर होना चाहिए? संस्कार दे देना पहले बता, पड़ोसी घर में बेटा, हाँ, उनका लड़का कितना अच्छा है, कितनी अच्छी मंदिर करता है, कितना अच्छा आदर होता है, ये तारीफ तो सब कर देंगे अपने दो तीन बच्चों की कितने अच्छे हैं, लेकिन ये कोई नहीं करेगा कल से पाठशाला जाके तो उससे अच्छी नहीं करी तुमने तो तुम्हें भोजन तो छोड़ो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं करेगा। और फलाने के बच्चे कितने अच्छे थे, आज कितनी अच्छी मंदिर बिजली करे, ये तारीफ जरूर कर दोगे आप, और ये तारीफ करके और बस खत्म, लेकिन ये कोई नियम नहीं लेगा। जब तक हमारा बच्चा इससे अच्छी नहीं कर लेगा तब तक कुछ नहीं होगा। भगवान आत्मा संतो लोग, जब तक ऐसी रुचि नहीं लगेगी ना तब तक नीचे, जो आप नीचे की पीढ़ी को सुधारना चाह रहे हो, जो नीचे की पीढ़ी को समझाना चाह रहे हो, तारण समय से जोड़ना चाह रहे हो, अध्यात्म का बोध कराना चाह रहे हो, जब तक इतनी दृढ़ता अपने में नहीं आएगी तो इनके जीवन में कुछ करने वाला नहीं। इसलिए पहले जरूरत है अपने में दृढ़ होने की कि हम वास्तव में भौतिक सुखों को, अरे पता भैया आपने तो खुद इतना इकट्ठा कर दिया कि आपकी दो चार पीढ़ी बैठ के खा दो था नहीं होगा, तो फिर इनसे इतनी उम्मीद क्यों कर रहे हो कि ये भी और इतना ज्यादा इकट्ठा कर ले, इस 14 पीढ़ी बैठ के खाए लो खत्म ना, इतनी उम्मीद क्यों कर रहा आप तो खुद इतना इकट्ठा कर लिया ना हाय हाय करके, सात पीढ़ी भी बैठ के खाएंगे आपके तो ना, हमने देखते हमने 3 मकान बनवा लिए, 2 मकान बनवा लिए, 2 दुकान खोल दी, बड़े नौकर चाकरी बड़ी व्यवस्था कर दी, हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी बैठ के खाए तो कोई कमी नहीं। अब जब कोई कमी नहीं है फिर उन्हें कहो ना कि आराम से रहो, बढ़िया स्वाध्याय करो, बढ़िया संयम करो, बढ़िया नियम से रहो, घर में कोई कमी नहीं है, हमने धर्म नहीं करा लेकिन तुम धर्म कर लो, ऐसा कहो तो तुम्हारा हाय हाय करके मानना कोई सार्थक हो, और तुमने भी 7 पीढ़ी को कमा कर रख दिया, और वो भी 7 पीढ़ी के लिए कमाए, मतलब 14 पीढ़ी अच्छे से निकले, ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हो? बता दो 7 की तो तुमने बना दी, और आने वाली 7 की वो बना रहे 14 पीढ़ी। भगवान जी चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी भीख मांग के फलती है, वो चक्रवर्ती के वैभव नहीं रहते, चक्रवर्ती के जाने के बाद जिसका पुण्य होता है तब तक ही धन संपदा दिखाई देती है, और उसके जाते ही धन कुमार के जाते ही पूरे भाई कंगाल हो गए, रोड पे आ गए, धन कुमार शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, धन कुमार की कथा सुनी कि नहीं सुनी, जहां जाता था वहां सोने की अंडिया निकलती थी, जहां जाता था वहां यश कीर्ति वैभव निकल हो जाता था, परिवार वाले सोचने लगे क्या क्या सोचने लगे, अरे देखो इतना धन आ गई, इतनी दौलत आ गई, और वो दया करता था, दान करता था, परोपकार करता था, अरे धन को लुटा रहा,
ये तो दौलत को लुटा रहा है, ये तो हमें कंगाल कर देगा। तो परिवार वाला ने योजना बनाई और सब घर से बाहर कर दिया। शॉर्टकट सुना रहा है, भैया तो बहुत विस्तार है, घर से बाहर कर दिया। सोचा कि अब ये धन संपदा बची रहेगी, लेकिन जैसे ही वो गया तो वैसे ही पूरी की पूरी धन संपदा कोई ना बन गई, सब परिवार कंगाल हो गए। तो पता लग गया कि ये था तो संपदा थी और ये नहीं तो चक्रवर्ती था। तो 7 पीढ़ियों में 6 खंड का राज था, तो चक्रवर्ती गया तो भीख मांगने की स्थिति आ गई। तो क्या निर्णय हो रहा है कि जिसका पुण्य होता है उसके साथ सब होता है और जिसका पुण्य नहीं होता उसके साथ कुछ नहीं। पक्का है कि नहीं, 100% है कि नहीं सर? बच्चे अपना अपना भाग लेके आए कि नहीं आए, उनके भाग के अनुसार उनका परिणाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो ये फिर तुम खा के पागल होकर जा रहे हो। जब पता ही है, अरे लौकिक का मैं कहते पूत कपूत को का धन संचय, बचपन में पढ़ा था, कौन सी क्लास की कभी है ये? संस्कृत का शिक्षण पढ़ा था, सेवेंथ पढ़ा था, पूत कपूत को का धन संचय, धन अरे पूत है कपूत है धन दोगे तो वैष्णव पूरा नाश कर देगा, कोई काम का नहीं, और ये सपूत है तो देने की जरूरत ही नहीं, वो तो जहां जाएगा वहां धन की वर्षा हो जाएगी। तो भगवान जी जब जान रहे हो सब तो फिर मानने में क्यों दिक्कत हो रही है भगवान जी? क्यों क्यों भौतिकता ही सत्य लग रही है? क्यों व्यसन ही सत्य लग रहा है? क्यों वासनाएं सत्य लग रही है? क्यों ये जो जीवन चल रहा है व्यवहारिक ये जीवन सत्य लगता है? अरे भगवान की वाणी जिन्हें भगवान के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग और आत्मा से परमात्मा होने की जो संतति है, आत्मा से परमात्मा होने का जो मार्ग है वो मार्ग सच्चा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि हम अपने बेटे को तारण सौम्य सक रहे हैं, हमारा लड़का अनंत, हमें लड़की अनंतमती जैसी बनेगी, सीता जैसी होगी, सत्य परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन भगवान जी हमारा नाम जन्म जन्म तक अमर होगा। और हमारा नाम तो छोड़ो, जैन धर्म की पथारा फहराई है, वीतराग धर्म इनके इनसे ही बना रहेगा। आज जो वीतराग धर्म की जो आप जय बोल रहे हो ना, आज जो जिन शासन की आप जय बोल रहे हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी की आज जो आप जय बोल रहे हो, जिन शासन इनसे ही टिका रहे हैं, इनके अलावा वो जिन शासन संभालने वाला कोई तब क्या कर रहे हैं? मन पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी को भगवान बना रहा है क्या? एकाध परिवार ऐसा हो जाए कि जिसके यहाँ तारण स्वामी पैदा हो जाए तो फिर 43,45,315 तो अपने आप आ जाएंगे। एक एक परिवार में यदि एक ज्योति जल जाए तो फिर करोड़ों ज्योत से ज्योत अपने आप जलती है। कोई एक तो महावीर को, कोई एक तो भगवान महावीर को जन्म दे दे, कोई एक भगवान महावीर को जन्म दे दे तो फिर महावीर बनने वालों के लाए अपने आप ही लग जाए। भगवान आत्मा इस ओर पे विचार है, देखो बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात चिंता करते हैं, खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं, स्वयं रात में नहीं खाते, लेकिन मना मना कर रात में खिलाते हैं। तो भैया क्या कह रहे हैं कि उनके लिए सारे पाप करने तैयार है भैया, भाई पाप भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, आलू भी बनाना पड़ रहा है, आलू बना के हमें नर्क भी जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों से इतना मोह है कि भैया इन्हें इन्हें क्या करते हैं, कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अवक्ष खिला के यदि हम नर्क निबोध में चले जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक कहानी सुनाई है, बहुत अच्छी कहानी, वो किसके अब कौन सा पशु है जो अपने बच्चे को इतना चाटता है, इतना चाटता है कि चाटते चाटते उसकी खाल उधेड़ देता है, तो खाल उधेड़ के मर जाता है, इतना ममत, इतना ममत, इतना चाटता है, इतना चाटता है, इतना ममत रहता है कि चाटते चाटते उसका बछड़ा भी मर जाता है। कौन सा पशु है?
याद नहीं आ रहा नाम, बहुत अच्छे दिमाग में था लेकिन ना ना भी कहाँ टप गया। बस वो ही हालत है अपनी। अपन इतना ममता और मोह में राम में इतना ज्यादा चाट रहा है, इतना ज्यादा चाट रहा है, इतना ज्यादा चाट रहा है कि वो इस मोह में राम में और संसार में ही मर जाएंगे। मुक्ति का मार्ग सही में आने वाला नहीं। तो थोड़ा तड़वा जरूर बोलते हैं लेकिन है सर, है बात कड़वी जरूर लेकिन है 100% सत्य। तो हम जी टीवी दिखाकर सुनाने का नियम है, कोई रात में 10 मिनट बैठा के नामोकार तक पढ़वा के एक कहानी सुना के बैठा सुनाता है कि बता नहीं जाता। सुबह उठते से भाई जल्दी से मंजन कर लो, स्कूल चले जाओ, ये है 10 मिनट पहले उठो, नामोकार मंत्र पढ़ो, भावना भाव छह काय के जीवों पर दया की, और आज का नियम लो कि आज तुम्हारा क्या नियम है उसके अनुसार निकलना घर से बाहर। करता है कोई? करता है क्या कोई? भगवान जी अब जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर वो ही है वो पशु का नाम दिमाग से स्लिप हो गया, कहा जाने कहा चला गया। इतना ज्यादा चाट रहे हो, इतना ज्यादा चाट रहे हो, अब क्या करोगे? तो तुम खुद चार क्या हो भैया? अधिक ममता, अधिक राग, अधिक मोह हमेशा आत्मा के पतन का कारण है। क्या कर रहे हैं हम? अच्छा सही में अपने बच्चों को चाहते हो? सही में 100% सही बताओ, नहीं तो हम भी कुछ कह रहे हैं। चाहते हो कि नहीं? जो अपने बच्चों को चाहते हैं वो उनका हित करते हैं, उन्हें नर्क में, निवोल में और कसाय और व्यसनों में ढकेल देते हैं। क्या करते हैं पापों में? क्या करते हैं? मतलब हम हित ही व्यसनों में और कसायों में और पापों में मानते हैं, और जब हम भौतिकता में हित मान रहे हैं तो हम उनका हित कहां से करेंगे? हमारे लिए अपना हित भी इंद्रिय विषय कसायों में है, हमारे लिए हमारा हित भी पापों में है, हमारे लिए अपना हम अपना हित भी अनादि काल से व्यसनों में मानते आ रहे हैं, तो जब हमारा हित व्यसनों में है तो फिर इनका हित भी व्यसनों में है। हम हित तो चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना यदि कोई अज्ञानी हो तो मोक्ष मार्ग को चाहता है लेकिन क्रिया कारण और आडंबर से। जैसे कोई अज्ञानी हो तो वो चाहता था मोक्ष जाऊंगा मैं, मोक्ष जाऊंगा मैं, मोक्ष जाऊंगा, तो लेकिन सही रास्ता ना जानने के कारण से पूजा में, पाठ में, आडंबर में, बाहर की क्रियाओं में अपना हित मानता है और उसी से अपना हित करके मोक्ष जाने की बात करता है। बाहरी आडंबर से ही अपना हित मानता है, सच्चे हित को नहीं जानता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अज्ञानी है। ऐसे ही हमारे बच्चों का हित हो, हमारे परिवार का हित हो, ये तो हम चाहते हैं, एक ऐसे भौतिक संपदा से, अज्ञान से, भोगों से, बाहर की काल्पनिक संपदा से, इससे हित होगा हमारा भी और हमारे बच्चों का ही। लेकिन ये नहीं जानते भगवान जी सुख और शांति को अध्यात्म के बिना आ ही नहीं सकती, और नियम और संयम के बिना जीवन तो सुखी हो ही नहीं सकता। और भगवान जी जिस भौतिक सत्य को, जिस सुविधा को आप मान रहे हो कि हम इन्हें दे रहे हैं, भगवान ये इनका भाग है, आप नहीं दोगे तो भी इनके भाव को इनसे कोई दूर, यहां कोई भी किसी के भाव का विधाता। अपन तो ये मान बैठे हैं कि हम अपने बच्चों के भाव विधाता हैं। अरे तारण पंथ में जन्म लेने के बाद जिस समय जिस जीव का जो होगा ऐसा तत्व निर्णय वस्तु सब पढ़ने के बाद हम क्या मान रहे हैं कि हम बच्चों के भाग बजाता है? और हाँ वास्तव में भाग बजाता हो यदि उन्हें भगवान बनने का मार्ग बता दो तो, और नहीं तो भगवान जी जो उनके पुण्य के उदय में है वो तो कोई छीन सकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम उनका भाग बजाता हो कब? जब उन्हें शब्द का बोध करा दो, जब उन्हें तत्व से जोड़ दो, उन्हें भौतिकता के साथ साथ भेद ज्ञान भी सिखा दो, उन्हें झूठे काल्पनिक विषयों के साथ साथ इन विषयों को छोड़ना पड़ेगा, ये छूटेंगे इनसे तुम्हारा हित नहीं होगा, साथ में ये सिखा दो तो तुम वास्तव में बच्चों के भाग बजाता हो, तुम उन्हें भगवान बनाने के मार्ग में लगा दो, सही में भाग बजाता हो।
फिर तुम सोचो कि हमने कमा के रख दिया, हमने इन्हें पढ़ा दिया, हमने इन्हें भैया क्या बोलते हैं बाहर भेज दिया, तो हमने इनका भविष्य बना दिया। बिल्कुल झूठी बात है। अब तो लुटिया गई, अब तो गई, अब जो बची है जितना कर पाओ उतना कर दो। अब तो गई भैंस पानी में, अब तो जो है भावी भविष्य उनके लिए अपना धन समर्पण कर दो। जो समाज के बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको जा जाके घर से बुला बुला कि भैया आप अपने नहीं हो पाए, भैया अपने बच्चों के बच्चे और जो समाज के बच्चे हैं उन्हें जोड़ दो। धन घर में जोड़ तिजोरी में भर के रखने से अच्छा यदि इनके ज्ञान दान में कौन से वाले वो भैया तारण समाज स्कूल विद्यालय चलाती। अरे वो तो ठीक है लेकिन ये पाठशाला नियमित रूप से और यदि कोई आए नहीं आए गाड़ी नियमित रूप से चल जाए तो वो बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय चल रहा है महाविद्यालय वो उपलब्धि व्यवहार वाली है, ये उपलब्धि जिससे धर्म की स्थापना होगी अपनी भीतरा कुल की परंपरा आगे बढ़ेगी, ये उपलब्धि जिसे जो मूल है उस पर ध्यान दिया जाए और जो व्यवहार चल रहा है उसके लिए रोक नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं। अरे बच्चे यहाँ भाव से जुड़ेंगे तो वो अपने आप इतना देंगे आदेश, यही बनेंगे कलेक्टर, यही बनेंगे इंजीनियर, ये भौतिकता में खर्च नहीं करेंगे, ये व्यस्तता में खर्च नहीं करेंगे, ये तुम्हारे क्षेत्रालय और मंदिरों को चार चार लगा देंगे, हीरे मोती जड़वा देंगे। लेकिन भगवान आत्मा यदि इन्हें संस्कार नहीं दिए तो ये इनका धन व्यसनों में और पापों में खर्च होगा, और जब व्यसनों और पापों में खर्च होगा तो आपके मंदिर भी खाली मिलेंगे और यहाँ देखने वाला भी कोई, ये है जो कुछ है, ये हीरे मोती से जड़वा दे और ये ही भूल जाए तो यहाँ दीमक लगती मिले आपको, खंडर बन जाए चेतना, खंडर ही बन जाएंगे और कुछ नहीं रहे। आधारशिला और वो भी हल्की पतली नहीं मजबूत चाहिए, दृढ़ संतानिक स्वयं को होना पड़ेगा कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, खुद को मोह में भैया बच्चा भूखा है रात में कैसे नहीं कब कैसे भूखा सता दे, खुद को मोह में पिलपिला नहीं होना पड़ेगा, स्वयं को दृढ़ता रखनी पड़ेगी तो उन्हें दृढ़ कर पाओगे और स्वयं कमजोर रहोगे तो कभी कोई को दृढ़ करने का सामर्थ्य। अपन स्वयं निश्चय को ग्रहण नहीं कर रहे, अपन स्वयं भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे, अपन स्वयं इस धर्म मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये जो अपन स्वयं मिथ्यात्म में रह रहे हैं तो उन्हें मिथ्यात्म बांट रहे हैं। चलो बच्चों को सिखाया हम तुम्हारी मम्मी है, मिथ्यात्म दिया कि नहीं दिया, ये तुम्हारे पापा मिथ्यात्म दिया कि नहीं दिया, ये तुम्हारे घर दुकान मकान है मिथ्यात्म दिया कि नहीं दिया, ग्रहित मिथ्यात्म बांटा कि नहीं बांटा और रुचिपूर्वक बांटा। भौतिकता में सुख है झूठे के साथ, चलिए बताओ भौतिकता में सुख है झूठे के साथ, पांच इंद्रियों में सुख है झूठे के साथ, लेकिन इन्हें यही तो सिखाया ना इन्हीं में सुख है, संयम करना सिखाया क्या, नियम लेना सिखाया क्या, तो आपने मिथ्या बांटा है क्यों, क्योंकि अपने अंदर मिथ्या है तो अपने मिथ्या ही बांटा है, जो होगा वही तो बांटो। और ये स्वयं सम्यक दृष्टि होते, स्वयं आवृत्ति होते, स्वयं सदाचार का पालन करते तो जो आपके जीवन में होता बच्चे वो आपके जीवन से सीख जाता भैया, जो आपके जीवन में आचरण है बच्चे सुनो दो बच्चे आपके बोलने से नहीं सीखते, बच्चे आपके व्यवहार से सीखते हैं, देख के सीखते हैं। अरे आप उन्हें सुनाओ राम कहानी और व्यवहार करो रावण जैसा तो वो नहीं सीखेंगे, तो उन्हें सुनाओ राम और लक्ष्मण का प्रेम की कहानी और अपने भाई के लिए चर्चा करो कि इसकी संपत्ति हड़पना है, मेरा भाई दो संपत्ति दो पैसे ज्यादा ना ले जा तो वो नहीं सीखेंगे कुछ। तुम यदि बात करो कि भैया हमारे बच्चे हमें सेवा करे, तुम यदि बात करो भैया किसकी श्रवण कुमार की और स्वयं कहो कि हमारे सास ससुर कितने परेशान करते हैं पड़े रहते हैं, कहानी सुनाओ श्रवण कुमार की और सास ससुर पोसते रहो दिन भर, तीन काल में भी संभव नहीं। श्रवण कुमार की कहानी सुनाओ, श्रवण कुमार बन के दिखाओ तो कहानी सुनाओ, क्योंकि वो श्रवण कुमार तुम्हारे अंदर देखेंगे तो वो श्रवण कुमार स्वयं बन जाएंगे, और तो मेरी श्रवण कुमार की कहानी सुनाते रहो
कुछ नहीं होगा भैया, कहानी के साथ साथ जीवन चाहिए। कहानी सुनाने की बनाई नहीं है, कहानी के साथ साथ जीवन भी चाहिए। और जब जीवन की शैली वैसी होगी तो अपने आप ही संस्कार पड़ेंगे। सावधान, काहे के सावधान कर रहे हैं? अभी भी समझ जाओ भैया, अभी अपने नहीं सुधार सकते, बड़े हो गए तो समाज से जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर सकते हो, सोचो इस दिशा में, सोचो कि क्या कर सकते हैं, कितना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लाख खर्च हो रहे हैं तो 2 कैसे खर्च करें, 4 लाख खर्च हो रहे हैं 10 कैसे खर्च करें, क्योंकि यहाँ जितना इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न मिलता है। और यदि इस फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यहाँ घर में रिटर्न नहीं मिलता। याद रख लो भैया, इन्वेस्ट करने की जगह यही है और बाकी जहां इन्वेस्ट कर रहा है वो सब मिथ्या, सब भौतिकता की जगह चौन है, सब पापों में रति होने की बात है। इसलिए सावधान, आ रही कि नहीं, बैठ रही कि नहीं, सुनाई भी दे रही कि नहीं दे रही, क्योंकि मतलब की बात सुनाई देती है और मतलब की बात होती नहीं होती तो सुनाई भी, अरे मतलब की बात हो हमारे तो सुनाई देती है और मतलब की बात नहीं हो तो सुनाई नहीं। तो भैया तारक स्वामी का सब संदेश क्या है भगवान, नहीं पता? अरे कहाँ देख रहे हो, तारक स्वामी का सब संदेश क्या है? इतनी डर क्या है तारक स्वामी का सब संदेश? भगवान जी सुनो तो, अब तारण स्वामी का शुभ संदेश ही तू स्वयं भगवान है, ये तो तारण स्वामी का संदेश है। हमने इस संदेश को बच्चों को सुनाया कि नहीं? हाँ सुनाया कि नहीं सुनाया कि तू स्वयं भगवान? भैया ऐसी लोरी सुनाई, मोबाइल दिखाने की जगह, मोबाइल पकड़ाने की जगह यदि ये लोरी सुनाई होती तो भैया भगवान आत्मा की कहानी सुनाई होती तो घर में संस्कार आ गए होते और बड़े होते सोते 8 वर्ष तक तो उनमें संस्कार सम्यक का बीज रोपण हो गया होता। लेकिन भगवान जी तू स्वयं भगवान की कहानी नहीं सुनाई, कहानी सुनाई एक आई की राजा और रानी, मोबाइल से यूट्यूब से वो पिक्चर दिखाई, यूट्यूब दिखाए वो अवक्ष खाते हैं तो खाना और डोरेमान और वो चाइनीज है सब ये दिखाया भैया। जैसा बोया बोया बीज बबूल का, आम कहां से हो जाएगी समाधि मरण भैया, हो जाएगी कि नहीं? अब तो आप अपने खुद प्रसाद कर लो तो आपका समाधि मरण हो सकता है, लेकिन आपकी जो पीढ़ी गई वो कराने वाली नहीं है, क्योंकि दुर्गतियों में। और याद है भाई, समाधि मरण नहीं हुआ तो आपने अपने हाथ से दुर्गति जाने का टिकट कटवाया, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हुई और वो बंसल में दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में आपको पटक देंगे। लेकिन नवकार मंत्र नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे और नहीं सुनाएंगे। अब तड़प तड़प के मर जाओ, वो आपको फैसिलिटी दे देंगे क्योंकि आपने फैसिलिटी दी है, लेकिन वो आपको अध्यात्म नहीं देंगे। बस इसलिए तो अपन ने अपना जीवन लगाया, अब जो अपन ने बोया है अपन काटेंगे और काटने के लिए तैयार हो। खुद की तैयारी हुई, खुद आध्यात्मिक चेतना से जुड़ गए, खुद स्वाध्याय से जुड़ गए और खुद का बल जग गया, अंत समय में स्वयं की कसाई नहीं जागी, तो मरते मरते तुम्हें आलू खाने का भाव आ गया तो तुम तो नरक ही जाओगे। और अंत समय में बड़े बड़े मुनियों के परिणाम बिगड़ जाते हैं, बिगड़ सकते हैं, क्यों? देखो एक सूत्र है बहुत अच्छा, याद रखना अपने जीवन में, सुनो अच्छे से। जैसी रुचि जन्म से जीवन भर होती है वैसी रुचि अंत समय में अपने आप हो जाती है, अपने आप। यदि जीवन भर आपने हाय हाय पैसा किया है तो मरते समय आपको तिजोरी अच्छे से बंद देगी नहीं, वो प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ रखे हैं, बच्चों के नाम ये कर दिया, मैंने बहन को ये दे दिया, बहू को ये दे दिया, मेरी लड़की का नाम इतना कर दिया, आखिर मरते दम तक यही मुस्कान निकलेंगे।
जीवन भर कमाया है तो अंत में इसके अलावा मुंह से कुछ निकल नहीं सकता। कोई नमोकारण सुनाएगा तो बोलेगा अरे भगवान बोधे सुनते हैं, पहले ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, हमें हमारे पेट के नीचे गड्ढी रखी हुई है, हम मर जाए तो निकाल लेना। इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा 100%। क्यों? क्योंकि जीवन भर जिस चीज की रुचि रहती है अंत में मती बिल्कुल वैसा ही काम करती है। यदि जीवन भर बहुत स्वाद से खाया है तो मरते समय भी भैया गुलाब जामुन खाने की बहुत इच्छा है, एक एक इतना सा एक सीरे ही दे दो, सीरे ही जबान पे लग जाए तो अमृत मिल जाए। देखा नहीं देखा मरते हुए लोगों को, डॉक्टर ने मना कर दिया कि एक बूंद भी मत देना पानी में, मिट डाला मुंह में, भैया एक ही बूंद डाल दो जवान पे, एक ही बूंद डाल दो और जवान हो रही कड़ी भी झेर की तरह वो बूंद डाल रही तो भी स्वाद नहीं आ रहा। ये क्या है भैया, क्या है हकीकत है, जवान झेर की तरह हो रही, गुलाब जामुन क्या माँ तो कुछ भी डाल दो माँ स्वाद आना है ही नहीं। तो महात्मा क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अपना जीवन, किस ओर जा रहा, अपन स्वयं कहाँ जी रहे हैं, अपने जीवन से क्या उम्मीद कर रहे हैं, और ये जीवात्मा इन भवों के बाद नर्क जाएगा, दुर्गो जाएगा, कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये चिंता करो। और मेरे संयोग में जो जीव जिनसे अपन प्रेम करते हैं, जैसा कहते हैं भैया हम इन सबसे प्रेम करते हैं, भाई जिनसे प्रेम करते हो उन सबको कहाँ भेजने की तैयारी में हो, खुद दुर्गति जाने की तैयारी और जिनसे प्रेम करते हो उन्हें भी दुर्गति भेजने की तैयारी, साथ साथ। अच्छा नरकों में साथ चाहिए भैया, कि हम अकेले पाप करके नरकों में क्यों रहे, अब देखो अगर भैया साथ तो पूरा करना पड़ेगा ना। देखो अब कहानी सुनाई थी, अब पंडित जी ने कहा था कि देखो भैया आप हमने साथ साथ आप हमने पाप करे और तुमने कमाया और तुमने पाप की कमाई खाई तो अब हम अकेले दुख क्यों भोगे, अब हम नरक में जाएंगे तो हमने जिस तरह तुमसे राग करा था ना, अब हम तुम्हें मारेंगे वहां जाके, काटेंगे पीटेंगे, जितना मोह करा था उतना हिसाब तो पूरा करेंगे ना, नर्क में तो कुबुद्धि हो जाएगी। जो माँ काजल लगाती थी भोजन कराती थी कैसे दिखेगी, कि आप हमें सराई घोंप रही है और भोजन की जगह जहर करा रही है, रस जहर का पान करा रही है तो कुमति होगी। तो भैया अब जितने ममता से जितने राग से या रात में भोजन कराया था ना उतने राग से गला भी तो काटना पड़ेगा, उतनी राग से जितने भी तो काटनी पड़ेगी, उतनी राग से कढ़ाई भी तलना पड़ेगा, जैसा व्यवहार किया है वैसा व्यवहार निभाने के लिए नर्क में साथी भी तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ अकेले कर रहे यहाँ पाप कर रहे और वहां से लड़ने के तो आओ ना, नारकियों में तो कसाय का ही रस है और है क्या, एक दूसरे को मार काटते उन्हें आनंद आता, इंसान जी रोज रोजान उनका प्रिय विषय है भैया। भगवान जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नर्क जाना है कि नहीं जाना, जाना है, बच्चों से पूछ रहा है नर्क जाना है नहीं जाना, भैया यदि इन्हें नर्क नहीं जाना तो इन्हें स्वर्ग स्वर्ग जाए ये मुक्ति की ओर जाए इसकी व्यवस्था क्या है, ये समझो कि बच्चे आपसे कह रहे हैं कि हमें नर्क नहीं जाना, लेकिन उन्हें पता नहीं कि नर्क कैसे नहीं जाना, वो कह रहे हैं कि माँ बाप से कह रहे हैं अपने कि हमें नर्क मत भेजो, हमें दुर्गति मत भेजो, हमें दुर्गति की यात्रा मत करवाओ, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम कैसे नहीं जाएंगे, दीदी आप पता नहीं पड़ेगी, वो तो आपके सामने कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना दुर्गति में, लेकिन आप बताओ तो कि दुर्गति में जाते कैसे हैं, तब वो उस रास्ते में आगे चलेंगे, तो पूरी व्यवहारिक चर्चा चल रही है और जरूरत है इस समय चर्चा की, संवाद कि आप इस दिशा में विचार करो, इस दिशा में सोचो और इस दिशा में सोच के आगे बढ़ो और शुद्ध आध्यात्मिक क्रांति जगाओ। तारक स्वामी ने जो व्यवहार दिया है इस शुद्ध व्यवहार से जोड़ो तो ही मुक्ति हो सकती है, तो क्रिया तो आपने भी बहुत कर ली और क्रिया में संतुष्टि भी बहुत कर ली है, मोक्ष का मार्ग बाहर से चलने वाला। देखो बहुत सरल बात कह के पूरा कर रहे अपना विषय, 5 मिनट बचे वहां, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मतलब जैन धर्म ज्ञान मार्ग है, काय का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग,
स्वाध्याय से चलता है, चिंतन मनन से चलता है, भक्ति से नहीं चलता, पूजा से नहीं चलता। ये जिन आगम मार्ग कायदा है, ज्ञान का मार्ग है, आध्यात्मिक चेतना का मार्ग है, ये ज्ञान से चलता भैया। जब अपन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो विवेक जागृत होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, ज्ञान से प्रारंभ होता है, ये ज्ञान मार्ग कहा जाता है भैया। तो यदि अपन ज्ञान के अर्जन की, आध्यात्मिक ज्ञान के, जनवाणी के अध्ययन की, यदि इस ज्ञान की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान जी ये जिन शासन आगे बढ़ने वाला क्या। बाहर से आप बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं करवा लो, आप बड़े बड़े मंदिर बनवा लो, आप बड़े बड़े तीर्थ बनवा लो, आप बड़े बड़े आयोजन करवा लो, सब बेकार है, सब पे कब्जे हो जाएंगे। आज ये दशा है जैन समाज की, जैन समाज की सारी घरवाल लुट गई, सब पे कब्जे हो गए, कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले ही नहीं बचे, वहां जाने वाले ही नहीं बचे। अब जब वहां जाने वाले ही नहीं बचे, जब उन जो स्थान बनाए अपने बड़े बड़े उनकी रक्षा करने वाले नहीं बचे, जब ज्ञान ही नहीं बचा तो वह स्थान कहां से बचे। गिरनार से चला गया, कुछ नहीं कर पा, शिखर जी जाने की कगार पे आ ही गया था, वो तो वो भी जान गए जैसा समझा, तो कुछ साल और रुक जाओ। हम सारे तीर्थ जाते जा रहे हैं, आप जो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, हमने इतना बड़ा आलिशान मंदिर बनवा लिया अपने काल में, आप देखना वहां सोने चांदी हीरे मोती सब आपके देश चैत्यालयों में, आपके तीर्थों में सब कब्जा हो, सब 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 लुटते जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आज जैन धर्म के जो कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन्हें धर्म की रक्षा करने की भावना नहीं है, वो धर्म से जुड़े ही नहीं है। वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर जो आज अपने आईपीएस जो बन रहा है, जो अपने समाज में आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि हमारा जैन धर्म कितना अनमोल है भैया। तो वो अपने धर्म की रक्षा करने की भावना नहीं, जब उनमें ये भाव नहीं है तो फिर मोक्ष का मार्ग या जो अपनी बनाई बनाई बड़ी बड़ी संपदाएं, बड़े बड़े ट्रस्ट किसी काम के, कोई काम के नहीं है भगवान जी, सब बेकार। क्यों है बेकार? क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर, सदाचार में, व्यसनों से रहित जीवन में, संयम के जीवन में और वासनाओं में क्या अंतर है। उन्हें सुख और दुख की परिभाषा का ज्ञान है कि नहीं? हमें नहीं, जब सुख दुख की परिभाषा का ज्ञान, अपन ने इन्हें भी सुख दुख की परिभाषा का ज्ञान यह नहीं है। और जब तक भगवान जी सुख दुख की परिभाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग अर्थात जैन धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब नाम के लिए आपको जो करना था, हमने इतने का दान दिया, हमने ये बनवा दिया, हमने ये रखवा दिया, हमने जे करवा दिया, आपको जो प्रपंच करना हो, तो सीधे साफ तो बोलते हैं, आपको जो आडंबर करना हो करना, कोई मतलब का नहीं, पूर्णता आडंबर। अरे वो लाखों लाखों तुमने धर्म के ज्ञान के जागरण के लिए, स्वाध्याय के लिए जितना पैसा बर्बाद बाहर के दिखावे में हो रहा है, उतना यदि अर्थ, उतना यदि दान, उतना यदि पैसा अध्यात्म के जागरण के लिए होता, तो आज जैन धर्म गली गली में और चौराहे चौराहे पे हर भक्त जीव के अंदर में होता। क्यों? क्योंकि सब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब सब चाहते। जितना पैसा खर्च यदि बाहर के आडम्बरों में हो रहा है, उतना पर प्रभावना के नाम पे जितना क्रियाकांड आडम्बर में पैसा खर्च हो रहा है, यदि उतना जनवाणी के स्वाध्याय के लिए धन खर्च हो, तो जैन धर्म की ये जो आज संख्या घट रही ना, दिन दुगनी, रात चौगुनी और हर समय अनंत गुनी हो जाए। क्योंकि सब सत्य चाहते हैं। अरे इसका प्रमाण है तारण स्वामी, तारण स्वामी के पंथ में सातों संप्रदाय, सातों जातियों में जीव से 43,45,000 जैन नहीं थे। जैन तो भग रहे थे उनके नाम से डर के कि सत्य कहां से बता रहे हैं। जो आडम्बर वाले थे वो तो विरोधी थे, वो तो भाग रहे थे, उन्होंने तो आडम्बर वाले जैनों ने तो झेल दिया, नदी में डुबाया। लेकिन जो जो सच्चे भवजीव थे, जो सच्चे सम्यक्ति जीव थे, जो आध्यात्म को जानना चाहते थे, जो तत्व को ग्रहण करना चाहते थे,
भैया वो जैन अजैन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सब सातों जातियों में से कोई सी जाति कोई सा धर्म गुरु ऐसा नहीं था जो नारायण स्वामी की शरण में ना आया। 151 मंडलों के आचार्य होने से पहले मंडलाचार्य मिला। 151 मंडल के आचार्य, 151 मंडल जैसे कहते हैं वीतरागता का प्रचंड जोर था भैया, ज्ञान मार्ग का प्रचंड जोर था। जहां ज्ञान की गंगा बहती है वहां जनमानस अपने आप ही जुड़ जाता है। और भैया तारणपन से कोई भी जुड़ सकता है, क्यों क्यों जुड़ सकता है? तारणपन से जुड़ना सरल क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई पूजा विधि क्रिया विधि थोपी नहीं जाती, ये ज्ञान का मार्ग है, किसी को ठेस नहीं लगती। ये ज्ञान अर्जन करो और स्वयं कल्याण करो, यहाँ ना किसी को नकारा जाता है, यहाँ की पूजा पद्धति थोपी नहीं जाती, ये क्रिया करो ये कांड करो तुम इन्हें मत मानो इन्हें मत मानो। यहाँ तो सीधी बात है, ज्ञान का मार्ग है, यदि ज्ञान अर्जन करो और मोक्ष को प्राप्त करो। इसलिए तारण पंथ को स्वीकार करना बहुत सरल है, कोई भी स्वीकार कर सकता है, तो किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। अन्य मतलब बंधन है कि यही करना पड़ेगा, ये क्रिया ही करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कोई बंधन नहीं। सत्य का मार्ग ज्ञान का मार्ग, लेकिन अपना ही ध्यान किस ओर, अपन इसकी प्रभाव मत लिए आपको नहीं। अंतिम बात फिर पूरा करा, टाइम हो गया हमारा, लास्ट बात बिल्कुल कहते तो है तारण स्वामी की जय, तारण स्वामी की जय, तारण स्वामी की जय। हम तारण समाज के नाम पे ये कर रहे हैं, तारण समाज के नाम पे ये दान दे रहा है, ये चैरिटी चला रहा है, लेकिन तारण स्वामी को कुछ नहीं कर रहे। तारण स्वामी ने जो ज्ञान मार्ग दिया, जो अध्यात्म का मार्ग दिया, जो ज्योति ज्ञान की चैतन्य की ज्योति जलाई, वो अपने घर परिवार में जले और उस ज्योति को अपन जन जन तक लेके जाए, तो तारण स्वामी का कोई कल्याण, अर्थात तारण स्वामी का कल्याण, तारण पंथ का कोई कार्य आगे बढ़ सकता है। और यदि अपन ज्ञान की ज्योति को आगे ना बढ़ाए, आध्यात्मिकता से स्वयं ना जुड़े और अपने परिवार को आध्यात्मिक चेतना से ना जोड़ने दे, तो भगवान आत्मा कल्याण होने वाला। थोड़ी सी व्यवहारिक चर्चा की, यदि कहने में थोड़े कड़क शब्द हो, शब्द ही कड़क होते हैं, बात सबसे नरम गरम है ना, यदि कहने में थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग हो गया हो, उत्तम क्षमा की भावना किया, और चोट लगी हो अभी से बदल जाओ, खुद के नहीं सुधर पा रहे खुद के बिगड़ गए, भैया समाज के विकास में ना तो जो लगा सकते। और यदि भैया अभी भी नहीं छेदे तो अपन तो दुर्गति जाएंगे, कुछ अच्छा काम करके दुर्गति चले जाओ तो निकल जाओ, दो इंच मान लो यहाँ से मर के नर्क जाओ, कोई अच्छा काम कर जाओ, नहीं तो पता नर्क से निकल के मनुष्य गति नहीं मिले तुम्हें, फिर से त्रिअंश मिले और फिर से दो इंच डिमोशन करते हुए चले जाओ, ऐसा मत करो। अगर इतना सा काम को अच्छा कर जाओ, यदि तुम नर्क में जाओ एक भाव, तो अगले भाव के बाद एक दो भाव का भाव मनुष्य गति में आ जाओ, इतना तो कर जाओ, नहीं करके जाओ इतना, एक भाव का नर्क जाने कोई बात, लेकिन वहां से निकल के वापस कभी आ जाओ ऐसा काम करके जाओगे कि नहीं जाओगे? तो ये भी पक्का नहीं है। हम अब क्या करें भैया, नर जाने की तैयारी तो पूरी कर ही रखी है, अब वहां से निकलने की तैयारी भी नहीं कर रहे, बस फिर जैसा होना है फिर तो दो इंद्री तीन इंद्री और एक इंद्री पर्याय में जाके स्थावर गति में जाके अनादि अनंत काल के लिए स्थित हो जाना, फिर मोक्ष मार्ग मिलने वाला, मोक्ष मार्ग को छोड़ो मनुष्य भाव त्रस पर्याय मिलने वाली नहीं है, त्रस नारी से बाहर, बल गुणस्थान की चर्चा में भी कहा था, एक बार एक त्रस नारी से बाहर ये जीव निकल गया, अनंत अनंत काल के लिए गया, फिर इसका कोई और छोर नहीं, एक राजू की छोटी सी इतनी पतली सी त्रस नारी इससे बाहर निकला, जो स्थावर और निवोध पर्याय में जन्म लेने के अलावा और कोई काम है ही नहीं, ना स्वर्ग देखने मिलेंगे, अरे नर्क देखने के लिए तरस जाओगे, नर्क जैसी कोई वस्तु होती है, नर्क देखने नहीं मिलेंगे, तरस नाड़ी से बाहर चले जाएंगे, तो स्वर्ग नर्क ये सब तरस नाड़ी के अंदर है, इससे बाहर गए तो कुछ नहीं, इसलिए सावधान, नर्क जाना भी श्रेष्ठ है, तरस नाड़ी के अंदर रहना भी श्रेष्ठ है, कभी भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है, और त्रस से नाड़ी से बाहर गए तो सावधान रहोगे कि नहीं, तो सही में आई कि नहीं आई, चलो ये आई
बोले श्री गुरु महाराज जी की जय। जय नमो।